नेक्स्ट हेडिंग दे दो एंगलमेंट। Now using the prism, we split the light into its spectral components and then illuminated a green algae. अब इसमें क्या करा था? एक prism लिया। ये किस चीज़ का prism? और prism के through इसमें क्या करा था? Light जो होती है, उन सबको पता है prism कैसे दिखता है? Yes sir. Brightly shift का दिखता है। Light सबसे pass out करते हैं तो उसके spectrum जो होते हैं वो reflect हो जाते हैं। ठीक है? तो उसने light को क्या करा? The light is split. The light is split into its spectral components. हमें पता है light split हुई into its spectral components. A and B chlorophyll.
एक्शन स्पेक्ट्रम देती है उसने बताया। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे कॉर्नेलियस वैन ली। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी द की फीचर्स ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वर नोन। अब जब मिडिल 19th सेंचुरी थी वहां पे फोटोसिंथेसिस के बारे में सबको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, राइट। नेम लिंग ऑफ दैट प्लांट्स कुड यूज लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम CO2 एंड वाटर। द एम्पिरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म वर अंडरस्टूड। 19th सेंचुरी में सबको पता था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में मिलके ग्लूकोज फॉर्म होता है। वेयर CH2O रिप्रेजेंट अ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और 6 कार्बन शुगर। अ माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज मेड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्नेलियस वैन लीन हु बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। यहां पर उन्होंने कौन से बैक्टीरिया यूज करे? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया यूज करें। डेमोंस्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फिर उन्होंने क्या बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, मतलब बिना लाइट के नहीं पॉसिबल है, लाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उन्होंने बताया, राइट। देन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। उन्होंने इक्वेशन दी 2H2A plus CO2 gives 2A plus CH2O plus H2O। यहाँ पर लाइट आया, ठीक है। उन्होंने क्या बताया दैट कोई भी हाइड्रोजन फ्रॉम अ ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ये कौन सा कंपाउंड है? ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, उसमें से हाइड्रोजन जो है कंपाउंड क्या करेगी? रिड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड को ताकि वो किसमें चेंज हो जाए? कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाए। CH2O क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कुछ हो सकता है ग्लूकोज भी हो सकता है, 6 कार्बन कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज द hydrogen donor and is oxidized to O2. Some organisms do not release O2 during photosynthesis. कुछ ऐसे plants भी होते हैं जो oxygen release नहीं करते हैं photosynthesis के time पे। When H2O is instead is the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria, the oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism and not O2. ये जो green और purple bacteria use करने का reason है वो क्यों है? क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे। अभी जैसे हम ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं तो हमको उनसे क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन ऐसे प्लांट्स जो ऑक्सीजन नहीं देते हैं एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस तो वो क्या करेंगे? तो उनका जो हम ग्रीन और पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया यूज कर रहे थे तो वहां पर उनका बाय प्रोडक्ट क्या आता है? सल्फेट या सल्फेट का कोई कंपाउंड, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ बाय प्रोडक्ट सल्फेट। सम प्लांट्स डू नॉट गिव O2 ऑन फोटोसिंथेसिस सो सल्फेट will be the product. तो सल्फेट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। बोल, कोई कंफ्यूजन है? क्लोरोफिल को पूछना था तुमने, बताया था वो ग्रीन बैक्टीरिया। सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट। वो एक एक पृथ्वी पे पेड़ है जो उसमें क्लोरोफिल। चलो नेक्स्ट वीक को
he concluded that oxygen comes from O2 comes from water. कहाँ से आ रहा है ऑक्सीजन? वाटर से, H2O में से ऑक्सीजन आ रहा है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड में से नहीं आ रहा है, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. दिस वॉज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन H2O. ठीक है. फिर बाद में जो रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, उसको क्या करते हैं? लेबल करते हैं, लेबलिंग करते हैं. तो रेडियो आइसोटोप्स बाद में यूज किए गए, जिसका नाम था H2O18. ये था रेडियो आइसोटोप. The overall correct equation for photosynthesis was next point likho. The overall equation for photosynthesis was 6 CO2 plus 12 H2O हुआ इतना. अब देखो यहां से ये वाली जो ऑक्सीजन है, यहां पे जो ऑक्सीजन है, ये कहां से आ रही है? फ्रॉम H2O. कहां से आ रही है? नाभिक की कार्बन डाइऑक्साइड. पहले यहां पे लिखा है O2 comes from water, not from CO2. यस मैम. ठीक है, क्लियर है इतना. तो ये बात हो गई फोटोसिंथेसिस की करेक्ट इक्वेशन. यहां फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस होती है. क्लियर है इतना सभी को? हाँ. यहाँ पे तुम्हारे सारे एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है. ये मैंने रफ डायग्राम बनाया क्लोरोप्लास्ट का. ठीक है, ये है तुम्हारी आउटर मेम्ब्रेन. दो मेम्ब्रेन दिख रही है ना, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं, उसको बोलते हैं ग्रेना. क्या बोलते हैं? ग्रेना. ठीक है, ये जो ग्रेना को ग्रेना से जोड़ता है वो होता है स्ट्रोमा. क्या होता है? स्ट्रोमा. नेक्स्ट ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये है रिबोसोम्स. ये है तुम्हारा स्टार्च ग्रैनुल. Small, this is lipid droplet.
मी वाला क्या लिक्विड प्रॉब्लम हां ये स्ट्रोमा लैमेले है ना स्ट्रोमा लैमेले और ये पूरा जो है ये है स्ट्रोमा इतनी चीजें होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पूरा जो बना हुआ है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं हाँ ये पूरा जो अंदर का कॉन्टेंट है ना पूरा अंदर का एरिया जो है वो है स्ट्रोमा पूरा एरिया हाँ यानी जिसमें सारा एरिया में ग्लूकोज ऑब्जर्व हाँ वो स्ट्रोमा है ठीक है अब सबसे पहले फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस अकर्स इन सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट डायग्राम ड्रॉ करो पहले ठीक है कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट में होता है ठीक है अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने बता दिया दो मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बाद ये जो चीज होती है ये एक ऊपर एक रखी हुई है ये है ग्रेना क्या है ग्रेना और इस पूरे को हम बोलते हैं थैलेपोइड क्या बोलते हैं ये एक जो है ना ये ग्रेना है और ये पूरा जो है ना ये है थैलेपोइड मतलब थैलेपोइड किससे बना है बहुत सारे ग्रेना से ठीक है उसके बाद जो थैलेपोइड को जॉइन करती है वो होती है स्ट्रोमा लैमेले ठीक है उसके बाद अंदर का पूरा स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा आफ्टर दैट रिबोसोम्स आर प्रेजेंट ठीक है रिबोसोम्स का काम क्या होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना प्रोटीन बनाने का काम होता है रिबोसोम्स का फिर इनके पास स्टार्च के ग्रैनुल्स होते हैं स्टार्च के ग्रैनुल्स मतलब स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसका फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते जाते हैं यहां पे स्टार्च बनते जाते हैं फिर लिक्विड की छोटी-छोटी ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट होती है क्लियर है हां यस मैम अब क्लोरोप्लास्ट कहां पर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है मेसोफिल लेयर ऑफ लीव्स में मेसोफिल लेयर ऑफ सेल्स ऑफ लीव्स यहां पे तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ठीक है समझ में आया लीव्स लीव्स के मेसोफिल मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होगी क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है क्लियर है नाउ देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर द फोटोकेमिकल फेज व्हेन सिंथेसिस ऑफ व्हेन सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच अकर्स अब यहां पे क्या कुछ चीज का सिंथेसिस होगा यहां पे होगा एटीपी एंड एनएडीपीएच का सिंथेसिस होगा मतलब बनेंगे एटीपी और एनएडीपीएच एनएडीपीएच का इसका फुल फॉर्म मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी मुझे ध्यान नहीं है ठीक है वेयर इज द स्ट्रोमा हैज एंजाइम्स फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ शुगर ये जो स्ट्रोमा होता है ना इसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है ठीक है क्लियर है यस मैम नाउ बुक में से बता देती हूँ देखो यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8 विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना द स्ट्रोमा लैमेले मैट्रिक्स स्ट्रोमा देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर इन द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट डिवीजन डिवीजन ऑफ लेबर है मतलब हर एक चीज का अपना अपना काम बटा हुआ है ठीक है समझ में आया द मेम्ब्रेन सिस्टम is responsible for trapping the light energy and also the synthesis of ATP and NADPH. Chloroplast में chloroplast का main function क्या light energy को trap करना जो light आ रही है ना
ग्लूकोज और शुगर फॉर्म करता है। क्लियर है? इसके बाद में पढ़ा दूंगी।